हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रेस्क्यू फॉर कंजर्वेशन। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी का शुक्रिया करना चाहता हूँ, क्योंकि आप सभी ने मेरे फर्स्ट वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार दिया था। तो ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा और ऐसे ही चिपके रहिएगा हमारे साथ में फेविकॉल की तरह, क्योंकि फेविकॉल का जोड़ा आसानी से नहीं निकलता। तो बढ़ते हैं आगे हम अपने वीडियो की तरफ। तो वीडियो स्टार्ट करने से और एक बात बताना चाहता हूँ कि आज के वीडियो का हमने लाइक एम रखा है, ज़्यादा नहीं, 150 ही है। तो आप जल्द से जल्द वो कर देना और चलते हैं हम आगे वीडियो की तरफ। तो जैसे ही आपने टाइटल देखा होगा कि हमारे जो मराठी एक्टर हैं श्री नानाजी पाटेकर, उन्होंने सांपों के बारे में ऐसा कुछ कहा है कि आपको वो देखना चाहिए और आपको उसमें से बहुत कुछ सीखना चाहिए। सापाच्या इशापेक्षा साप सावलं या भीतीनंच माणूस मरतोय बघ। भारतात इशारी जाती फकस्त पाच, कंचा, घोणस, पुरुष, मान्यार, नाग आणि आणि माणूस, बाकीचे सगळे शेतीला लय फायदेशीर। जिनको मराठी नहीं समझ में आती, ये वीडियो मराठी में था, उनको मैं हिंदी में समझा के बताता हूँ कि सर का ऐसा कहना है कि सांपों के जहर से नहीं, सांपों के काटे जाने के डर से ही इंसान की मौत हो जाती है। और इंडिया में बस 5 ही ऐसी प्रजातियाँ हैं जो बहुत ज़्यादा जहरीली होती है, जिसके काटने की वजह से इंसान मर सकता है। फर्स्ट है हमारा इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा, जिसको हम भारतीय नाग कहते हैं, जिसमें न्यूरोटॉक्सिक वेनम प्रेजेंट होता है। सेकेंड है हमारा इंडियन कॉमन क्रेट, जिसको हम मनियार कहते हैं, इसमें भी न्यूरोटॉक्सिक वेनम प्रेजेंट होता है। थर्ड वन है हमारा रसल स्वाइपर, इसको हम घोनस कहते हैं और इसमें हीमोटॉक्सिक वेनम प्रेजेंट होता है। और फोर्थ है हमारा सॉफ्ट-स्केल्ड वाइपर, सॉफ्ट-स्केल्ड वाइपर में भी हीमोटॉक्सिक वेनम प्रेजेंट होता है, जिसे हम फुरसे कहते हैं। तो इंडिया में लगभग जो बाइट केसेस होती है, ज़्यादा से ज़्यादा इन्हीं 4 सांपों की वजह से आदमी की, लोगों की मौत होती है। पर कुछ बाइट केसेस ऐसी भी होती है जो 99% होती है, पर फिर भी उनकी डेथ हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सांप हर कोई जहरीला नहीं होता, और आदमी सांप काटने के डर की वजह से ही मर जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि हमको बस इन 4 सांपों से बच के रहना है। बाकी अगर आपको सांप भी काटता है तो आप ज़्यादा घबराइए मत, ज़्यादा डरिए मत। आप अपने आसपास के सर्प मित्र को कांटेक्ट कीजिए, उनको पूछिए, वो आपको प्रॉपर वे बताएंगे, प्रॉपर तरीका बताएंगे आपको कि आपको क्या करना है। डरना नहीं है, सबसे पहली बात तो आपको अपने नज़दीकी अस्पताल जाना है, वहाँ पे एंटी वेनम्स अवेलेबल होते हैं, तो वहाँ पे आपका ट्रीटमेंट होता है और आपकी जान भी बच सकती है वहाँ पर। तो बस आपको डरना नहीं है, और इतना बस ध्यान रखिए कि सांप अगर काटता है तो आप उससे। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। और अगर आपके मन में कुछ सवाल है सांपों को लेकर, तो आप वो भी हमको कमेंट में पूछ सकते हो।